हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट चुबाना। जैसा कि मैं आप लोगों को बता ही रही हूं, अलग अलग राशियों के अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में कि उनकी कंपैटिबिलिटी, अलग अलग एलिमेंट्स के लोगों के क्या नेचर होता है और उनके बीच का कि क्या कंपैटिबिलिटी रहती है, क्या तालमेल रहता है, किस तरह का उनका लाइफ आपस में चलती है। तो चलिए मैं बताने जा रही हूँ फायर एलिमेंट की राशियों के बारे में। तो हमारी जो फायर एलिमेंट की राशियां हैं वो हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियंस। इनका एलिमेंट है फायर, इसलिए ये हमेशा ही एक स्पार्क में रहने वाले लोग हैं। जिन लोगों की राशियां होती हैं उनके अंदर एक अट्रैक्शन होता है, एक स्पार्क होता है, एक चमक होती है, एक कुछ कर गुजरने का करेज होता है। जो चीज़ हाथ में उठा लें वो करके छोड़ते हैं। जज्बा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत वर्मत होती है अंदर, बहुत अगन होती है किसी चीज़ के लिए भी ना, अगन होती है, करना है करना है करना है करना है। अपने पार्टनर से भी बहुत पैशनेट लव चाहते हैं, यानी कि ये जो होते हैं बहुत इनोसेंटली प्यार करते हैं, यानी कि ये अपना सब कुछ दे देते हैं। प्यार में जब ये होते हैं ये अपना सब कुछ दे देते हैं, कुछ भी अपने पास नहीं रखते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं। कई बार उसी फायर में अगर इनको इनका साथी नहीं मिलता या कहीं से भी इनको धोखा मिलता है या हर्ट होती है तो उसी फायर में ये अपने आप को जला डालते हैं, क्योंकि अंदर बहुत हीट होती है, बहुत तपिश होती है, तो अंदर ही अंदर कुरते रहते हैं, जलाते रहते हैं जलाते रहते हैं। दिल की ज़्यादा सुनते हैं, दिमाग की ज़्यादा नहीं सुनते, जैसे दिल कहता है वैसे ही करते हैं। और जब कुछ फोकस करते हैं ना तो 101% अपनी मेहनत डालते हैं और क्लाइम कर जाते हैं, कितने माउंटेंस क्लाइम कर जाते हैं जब तक ये वहाँ तक नहीं पहुँच जाते। आपने कभी देखा है अगर आप आग जलाएं, आग जला के आप ऊपर ऐसे हाथ करें तो वो आग यहाँ हाथ को पकड़ने की कोशिश करती है, तो व्हाट इज़ दैट? यही तो है, क्योंकि आग हमेशा अट्रैक्ट होती है, आगे बढ़ती है, पुष्ट होती रहती है। तो जितने भी हमारे फायर एलिमेंट वाली राशियां हैं वो सब जो है ना पुष्ट रहते हैं, खूब गर्म जोशी से रहते हैं। तो इनका दिल कभी ना दुखाया करे, थोड़े से मुँह फट होते हैं, जो बात होती है वो बोल देते हैं। अच्छी है तो सुन लो, नहीं अच्छी है तो भी सुन लो। अब उसको आप लें अच्छी तरह से लें या अच्छी तरह से ना लें, ये आपके ऊपर होता है। ठीक है, तो ये था हमारा फायर एलिमेंट वाली राशियों के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब देखिए क्या आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास कौन एरीज है, कौन लियो है और कौन सैजिटेरियन है, क्योंकि उनका एलिमेंट होगा फायर। ये लोग ना डल नहीं होते हैं, डल जैसे ना मरी गिले से, ऐसा नहीं होते हैं। कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए उसमें भी ये अपनी रोशनी बिखेरते रहते हैं, अपनी वहमत लोगों के अंदर बांटते रहते हैं। तो देखिए कौन है आपके आसपास और क्या उसका नेचर ऐसा है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखिए कि मैंने आपको सही बताया है। और अगर आप किसी और राशि के हैं और आपको पता चल गया कि आपके फायर एलिमेंट वाले फ्रेंड्स कौन हैं या लोग कौन हैं या आप खुद फायर एलिमेंट वाले हैं, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा, राइट? तो मैं आपके लिए यही कहूँगी कि फायर को अपने थोड़ा कंट्रोल किया करिए, मेडिटेशन किया करिए, ताकि वो फायर जो है कहीं ज़्यादा हो के आपको जला ना दे। इसलिए रिलैक्स रिलैक्स रहा करिए, सिर्फ चैंट करा करिए, रिलीज 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 रिलीज। एक स्विच बोर्ड है, अगर आप चैंट करेंगे तो अंदर की जो आपकी फायर जो कई बार आपको गुस्सा दिला देती है, एक्साइटेड कर देती है, एंगर दे देती है, वो आपको बैलेंस रखेगी, सो विल रिलीज। और जितनी आग की ज़रूरत है उतनी ही आग देगी। अभी के लिए मुझे आगे दीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, टेक केयर।